दिग्विजय सिंह की खासियत ये रही कि उनकी व्यूह रचना ऐसी होती कि वो भोपाल पर भी नज़र रखते, दिल्ली की हलचल पर भी नज़र रखते, अपने कार्यकर्ताओं पर भी नज़र रखते और उसी वक्त आलाकमान पर भी नज़र रखते। लेकिन धीरे धीरे राजा साहब की जो ज़मीन पर पकड़ थी वो कमज़ोर होने लगी। राजा साहब शायद, राजनीति के जानकार कहते हैं कि वो हवा हवाई होने लगे। राजनीति रहस्य। कैडर वाला नेता, सियासी मौसम एक्सपर्ट, पॉलिटिकल इंजीनियर, उनकी पढ़ाई भले ही मैकेनिकल से हुई हो लेकिन उत्तर भारत में सिकुड़ती हुई सत्ता के दौर में राघोगढ़ के राजा की जबरदस्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखने को मिली। कांग्रेस को 172 सीटें मिली, यानी पिछले चुनाव से ठीक 2 सीट कम। राजनीति के जानकार और दिग्विजय की सियासत और शख्सियत को करीब से जानने वाले मानते हैं कि उनके काम करने का तरीका एकदम अलग था। अगर और करीब से देखें तो दिग्विजय अपनी टीम यानी विधायकों का तो हर काम करते ही थे लेकिन कार्यकर्ताओं का भी पूरा ख्याल रखते थे। यही वजह है कि आज उनका वफादार कैडर पूरी तरह उनका है। कैडर वाली राजनीति का ही आलम है कि दिग्विजय सिंह जमीनी कार्यकर्ताओं का नाम पहचानते हैं। अपनी लकीर को बड़ा रखना और सामने वाले की लकीर को छोटा करने से भी गुरेज नहीं। कई बार ऐसे मौके आते जब समूचा विपक्ष भ्रम में रहता। दिग्विजय सिंह कभी सुंदरलाल पटवा के घर पहुंच जाते तो कभी विक्रम वर्मा को सार्वजनिक रूप से बधाई दे देते। हाँ, एक खास बात कि विपक्ष के दिग्गजों का काम वो बिल्कुल अपना काम समझकर करते, यानी साध कर रखते। आलाकमान यानी दिल्ली दरबार में अपने दूतों को मुस्तैद रखने का हुनर, साथ ही आलाकमान की जरूरत को बिना बोले भांपने की कला, जिसमें हमेशा अपने सूबे में फ्री हैंड जैसी स्थिति मिलती रहे। दिग्विजय सिंह के अलावा यही गुण अजीत जोगी में भी था, जो इतना तक ख्याल रखते थे कि आलाकमान का हेलीकॉप्टर कब उड़ेगा और कब कहां रुकेगा। सियासत में सिर्फ वो दुश्मन नहीं जो दिख रहा है बल्कि और भी होते हैं। राजा साहब दुश्मनों की इस लिस्ट से और आगे जाकर संभावित दुश्मनों पर भी फोकस रखते। मसलन उन्हें भनक लगते ही बसपा की मजबूती को वक्त रहते ठिकाने लगाना, क्योंकि करीब 20% दलित और 20% आदिवासियों वाला मध्य प्रदेश कांशीराम के लिए एकदम मुफीद था। तब छत्तीसगढ़ बना नहीं था। राजा साहब ने अपना फोकस बड़े बसपा नेताओं पर किया, उन्हें कांग्रेस में खींच लाए, साथ ही चरनोई की जमीन भूमिहीन दलितों को बंटवा दी। सरकारी खरीद में दलित व्यापारियों के लिए कोटा फिक्स करने जैसी योजनाएं लेकर आ गए। लेकिन सियासत का भी सबसे बड़ा नियम परिवर्तन। दिग्विजय सिंह ने वो सब कुछ किया जो उन्हें तीसरी बार सत्ता दिला था, लेकिन शायद कैडर खड़ा करने वाला राजनेता जमीन पर वोटर का मानस नहीं पढ़ पाया। दूसरी जीत में ही उन्होंने विकास की खिल्ली उड़ा दी। आज भी कर्मी वाले प्रयोग के लिए वो विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। सड़कों और बिजली ने रही सही कसर पूरी कर दी। सार्वजनिक मंच पर वो कहते थे बिपासा सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दिमागी उपज है। इसी बिपासा ने राघोगढ़ के राजा साहब को न सिर्फ सत्ता से प्यासा कर दिया बल्कि 2003 की ये बिपासा 2023 में भी विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार है। बिपासा यानी बिजली, पानी, सड़क और पंटाधार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।